हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल पथिक द गाइड। दोस्तों, महापरिनिर्माण मंदिर और गोल्डन टेंपल के दर्शन करने के बाद अब हम आए हैं उस स्थान पर जहां पर भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार हुआ था। इससे पहले हम गए थे महापरिनिर्माण मंदिर जहां पर भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां पर जाकर वह वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आया हूँ रामाभार स्तूप पे। बौद्ध परंपराओं के अनुसार इस जगह को मुकुट बंधन के रूप में भी माना जाता है। यहाँ पर एंट्री करने के साथ ही आपको रामाभार स्तूप देखने को मिलेगा और इसके साथ ही लेफ्ट हैंड साइड में इस स्तूप से जुड़ी हुई जानकारियाँ भी लिखी हुई हैं, जिसे पढ़कर आप यहाँ के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस स्तूप के बारे में पढ़कर जानकारी प्राप्त करने के बाद अब हम चलते हैं इस स्तूप की तरफ और परिक्रमा करते हैं इस स्तूप की। ऐसी मान्यता है कि यह एक बहुत ही पवित्र स्थल है और जो लोग यहाँ पर आते हैं इस स्तूप की परिक्रमा अवश्य करते हैं। तो चलिए हम भी करते हैं इस पवित्र स्तूप की परिक्रमा। अभी हम कर रहे हैं इस स्तूप की परिक्रमा और यहाँ पर हरा भरा गार्डन बना हुआ है और इसको अच्छे से मेंटेन भी किया हुआ है। कुशीनगर की एक चीज़ हमें बहुत अच्छी लगी कि यहाँ के बौद्ध तीर्थ स्थलों पर शांत वातावरण, स्वच्छ जलवायु और स्वच्छ परिवेश देखने को मिलेगा। यहाँ पर कहीं पर भी आपको गंदगी या कूड़ा करकट देखने को नहीं मिलेगा, जो कि अपने आप में ही एक अलग परिवेश का निर्माण करती है। यहाँ पर जिधर भी आपकी नज़र जाएगी उधर आपको काफ़ी साफ सफाई और स्वच्छता से परिपूर्ण पर्यावरण देखने को मिलेगा। बौद्ध धर्म के चार प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक कुशीनगर टूरिस्टों में काफ़ी पॉपुलर है और यहाँ पर काफ़ी देशों के टूरिस्ट आते हैं। यहाँ पर कोरिया, जापान, श्रीलंका, चाइना और बहुत सारे एशियन कंट्री के लोग आते हैं। यह स्थान बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर ताड़ के पेड़ लगे हुए हैं जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत और अच्छे लग रहे हैं। अभी तक हमने आधे स्तूप की परिक्रमा कर ली है और आधे स्तूप की परिक्रमा अभी बाकी है। यहाँ पर जहाँ भी आप देखेंगे उधर ही पेड़ पौधे लगे हुए हैं, हरियाली से परिपूर्ण है यह स्थल। यह स्तूप गोलाकार का बना हुआ है और इस स्तूप के चारों तरफ परिक्रमा मार्ग बना हुआ है जिसपे कि श्रद्धालु इस स्तूप की परिक्रमा करते हैं। इस स्तूप पे कुछ कटिंग हुई पड़ी है, इसको देखने से ऐसा प्रतीत होता है जैसा कि पहले इस स्तूप की कभी खुदाई हुई हो। यहाँ पर कुछ लोग अपनी फैमिली के साथ आए हुए हैं और फोटोग्राफी का आनंद ले रहे हैं। कुशीनगर में घूमने के लिए बहुत सी जगहें हैं, बहुत ही अच्छा प्लेस है ये। यहाँ पर ये कुछ संरक्षित इमारतें हैं जो कि पहले की हैं। यहाँ पर जो भी प्राचीन अवशेष बचे हुए हैं उनको काफ़ी अच्छी तरीके से संरक्षित करके रखा गया है। ऐसे ही बहुत सारे अवशेष हमें महापरिनिर्वाण स्थल पर भी देखने को मिले थे, वहाँ पर भी उन अवशेषों को संरक्षित करके रखा गया है। यह स्थान बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर चारों तरफ हरियाली से हरे भरे पेड़ पौधे, स्तूप और प्राचीन इमारतों के अवशेष आपको देखने को मिलेंगे, जिन्हें देखकर आपको अच्छा लगेगा और आप बार बार इस पवित्र स्थल पर आना चाहेंगे। यहाँ पर कुछ लोग अपनी फैमिली के साथ आए हुए हैं और इस स्तूप की परिक्रमा कर रहे हैं। यह स्थान बौद्ध धार्मिक स्थल होने के कारण बहुत ही पवित्र है। ऐसी मान्यता है कि इसी स्थान पर भगवान बुद्ध का दाह संस्कार हुआ था। रामाभार झील के निकट स्थित रामाभार स्तूप की परिक्रमा हमने कर ली है। ऐसे पवित्र स्थल जहां पर भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार हुआ हो, ऐसे पवित्र स्थल की परिक्रमा करके हमें काफ़ी अच्छा लगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाइए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।
पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।